तो क्या हाल चाल है दोस्तों। तो चलो पबजी खेलते हैं। आज तुम्हारे लिए टी शर्ट पहन के आओ, मैं पबजी खेलते हैं। और स्पेसिफिकली यार ये टी शर्ट पहनने का रीज़न क्या है, ऐसा कोई वैसे मैं और वीडियोस में पहन लेता हूँ, तो आज इस वीडियो में खास रीज़न यही है। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने स्मार्टफोन से आपको एलगाटो को सेट करना है अपने पीसी के साथ, जिससे आप प्रॉपरली 60 FPS की बढ़िया स्ट्रीम कर पाओ अपने यूट्यूब चैनल या किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और यूट्यूब पे यार बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे, आपने देखे होंगे कि विदाउट एलगाटो स्ट्रीम कर लो, ऑक्स लगाई, स्प्लिटर लगाया, ये लगाया, वो लगाया। यार ठीक है, हो जाता है, उनसे भी सब कुछ आप कर सकते हो मिररिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर के थ्रू, बट जो एक बढ़िया स्ट्रीमिंग की क्वालिटी होती है ना, वो भाई आपके कैप्चर कार्ड से ही आएगी। आप कोई भी तरीका लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपका तो स्ट्रीम लैग करेगी या लेटेंसी होगी या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका गेम प्ले आपके फेस कैम से मैच नहीं करेगा, आप फेस कैम के साथ स्ट्रीम करना चाहते हो क्योंकि रियल टाइम नहीं होगा आपका गेम प्ले, तो वो चीज़ें कुछ थोड़ी सी डिफर कर जाते हैं। इसलिए अगर बेस्ट स्ट्रीमिंग क्वालिटी अगर आपको अच्छी प्रोफेशनल स्ट्रीम करनी है, तो आपके पास कैप्चर कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो प्री रिक्विजाइट्स की बात कर लेते हैं कि हमारे को क्या क्या चाहिए होगा अपने पीसी पे पूरा फोन कनेक्ट और स्ट्रीम करने के लिए, क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ही चाहिए हमारे को एलगाटो SG60 का कैप्चर कार्ड, और एक ही चाहिए आपको USB 3.2 Type-C केबल, और एक HDMI केबल सबको पता होगा क्या होती है। और ये जो दोनों केबल्स मैंने आपको बताई हैं, ये टाइप सी वाली और HDMI वाली, ये आपके कैप्चर कार्ड के बॉक्स में ही आएंगी। और फोन के साथ स्ट्रीम करने के लिए आपको एक ही HDMI केबल की रिक्वायरमेंट होगी। फिर आपको चाहिए टाइप सी टू HDMI कन्वर्टर, और ये इसमें मेन जो काम है वो HDMI पोर्ट का है, इनका कोई खास ऐसा कोई काम नहीं है। तो ये कुछ घबराना मत कि भाई कौन से पोर्ट्स दिखा रहा है और इन पता नहीं इसमें क्या क्या लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आपके फोन में लग जाएगा और इधर आपकी HDMI लग जाएगी। बाकी इन दोनों पोर्ट्स का भी मैं आपको काम बता देता हूँ। तो ये तो आपका फोन से कनेक्ट हो जाएगा, तो चार्जिंग करनी होगी तो चार्जिंग आप यहाँ से कर सकते हो, इसके अंदर जैसे चार्जर लगाओगे तो फोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। हाँ उतनी स्पीड से नहीं होता क्योंकि डिवाइड हो जाता है कनेक्शन, तो फास्ट चार्जिंग तो नहीं चलेगी, बट स्टिल हाँ ठीक ठाक चार्जिंग चल जाती है। और ये हो गया USB, अगर आपको कोई भी OTG या कोई भी अदर चीज लगानी है वो वैसे दिया है उन्होंने, पूरा कन्वर्टर है, तो इस USB पोर्ट का ऐसा कोई खास काम नहीं हमारे स्ट्रीमिंग के अंदर। तो मेन काम हमारा HDMI पोर्ट का ही है। और लास्ट और सबसे जरूरी चीज, एक आपको स्मार्टफोन चाहिए होगा, और जो आपका स्मार्टफोन है वो HDMI सपोर्ट वाला स्मार्टफोन होना चाहिए। कोई ऐसा ही जरूरी नहीं है कि आप कोई भी टाइप सी वाला फोन लोगे और आपका एलगाटो उसमें सपोर्ट कर जाएगा। तो ये मैं पहले ही बता दूं आपको, जो आपका फोन होगा उसके अंदर HDMI सपोर्ट होना चाहिए। तो जो मेरे पास फोन है वो है OnePlus 7 Pro, और OnePlus के अभी तक के जितने वेरियंट्स है सिर्फ OnePlus 7 सीरीज के बाद वाले वेरियंट्स में आपका HDMI सपोर्ट आया, 6 और 6T तक भी ऐसा कोई खास सपोर्ट नहीं है। और अगर अदर ब्रांड्स की बात करूं, देखो यार मुझे ज्यादा मॉडल्स के बारे में नहीं पता, बट जितना मैंने पढ़ा है कि सैमसंग के S8, S9 और S10 जो S सीरीज है सैमसंग की, उसके अंदर HDMI सपोर्ट है, और बाकी आपके एप्पल के अंदर तो है ही। लेना है अगर एप्पल स्ट्रीमिंग के लिए तो भाई क्या ही लोगे 7, 8, आप सीधा X ही लेना या XR लेना, क्योंकि उन्हीं के अंदर सबसे बेस्ट पबजी और अदर मोबाइल गेम्स चलते हैं बढ़िया बढ़िया फुल पोटेंशियल के साथ। तो मैं आपको बताता हूँ इसको पीसी के साथ सेटअप कैसे करना, तो चलते हैं पीसी पे और आपको सारा चीज दिखाता हूँ, कौन सी चीज कहाँ कनेक्ट होगी और कैसे आपको अपना फोन मिरर करना है अपने पीसी के स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पे। तो सबसे पहले जो आपकी HDMI डोंगल है, ये आपको अपने फोन में कनेक्ट करनी है, यहाँ पे टाइप सी होती है आगे से, जो एप्पल वाले होंगे एप्पल वालों के लिए जो लाइटनिंग केबल की तरह होगी। तो ये आपके टाइप सी पोर्ट में लग गया, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको अभी के लिए साइड रख देते हैं। अब ये रहा आपका कैप्चर कार्ड, ये रही आपकी टाइप सी टू USB 3.0 की केबल। इस केबल का काम क्या है, इस कैप्चर कार्ड को आपके पीसी से कनेक्ट करना। तो वैसे तो आपको काफी पोर्ट्स दिख रहे होंगे इसके अंदर, बट टाइप सी का एक ही पोर्ट है, तो ये टाइप सी वाला पोर्ट हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। तो ये जो USB 3 वाला पोर्ट है ये आपके लैपटॉप या पीसी में कनेक्ट होगा, और ये लाइट जल गई है यानी कि आपका ये कनेक्ट हो गया है। अभी हमारा लास्ट काम है जो HDMI को, यानी कि हमारा फोन का कनेक्शन अपने पीसी तक पहुंचाना है, तो अपनी HDMI को कनेक्ट करना है अपने फोन से आपके कैप्चर कार्ड में। ये आपका कैप्चर कार्ड का इन वाला है, ये आउट वाला है। आउट का फोन के मामले में कोई काम नहीं है, मैं फिर से बता दूं, आउट वाले पोर्ट का फोन के मामले में कोई काम नहीं है, सिर्फ इन वाले का काम है। ये आप इनमें ये लगा दिया अपने कैप्चर कार्ड में, कैप्चर कार्ड का काम हो गया खत्म, फोन के मामले में सिर्फ इतना ही काम है कैप्चर कार्ड का। तो अब जो हमने फोन से कनेक्टर लगाया था, तो ये जो हमारी HDMI है वो फोन के इस कनेक्टर में लग जाएगी। तो अब ये फोन आपका एलगाटो से कनेक्ट हो गया है थ्रू HDMI। अब हमारा जो वायर का तामझाम है वो सब हो चुका है, अब हम सीधा मिलते हैं आपको पीसी की स्क्रीन पे। तो गाइज ये आ गया हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब आपको सबसे पहले करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको एलगाटो की एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लिंक को क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा आपके सामने। अगर आपके पास विंडोज पीसी है तो आप यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट कर लेना, और आप ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, गेम कैप्चर फॉर विंडोज। और किसी सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, जो मैं काम आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर और किसी सॉफ्टवेयर का काम नहीं है। और अगर आपके पास मैक है तो यहाँ पे आप मैक क्लिक करके आपको यही सॉफ्टवेयर मैक के लिए डाउनलोड करना है। तो जब आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे तो ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से नजर आए, गेम कैप्चर HD आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको रन करना सॉफ्टवेयर को, तो ये जब आपका सॉफ्टवेयर चल जाएगा
तो ये आपका HDMI कनेक्टेड है, अब यहाँ पे दिखा रहा है नो सिग्नल। तो यार ये मैं आपको बता दूं कि कभी कभी नो सिग्नल आता है इसके अंदर, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप फोन को डिसकनेक्ट करके एक दो बार दोबारा से लगाओगे तो आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा आपके एलगाटो के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा फोन कनेक्ट हो गया है, थोड़ा सा कनेक्ट होने में टाइम लग जाता है, तो आप पैनिक मत करना, एक दो बार लगाओगे या फोन को रिस्टार्ट कर लेना या PC को रिस्टार्ट कर लेना, हो जाएगा। कोई अगर फर्दर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं गाइड कर दूंगा आपको। तो आप जैसे देख सकते हो ये फोन आपका कनेक्ट हो गया है और बिल्कुल रियल टाइम हो रहा है, यही फायदा है आपका कैप्चर कार्ड का, कोई लेटेंसी नहीं होती। तो इस सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम क्या है, इस सॉफ्टवेयर से हम स्ट्रीम नहीं करें, वैसे हम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से स्ट्रीम, बट मैं इस सॉफ्टवेयर से करूंगा क्योंकि सबका पॉपुलर OBS और स्ट्रीमलैब्स OBS है, हम स्ट्रीमलैब्स OBS का ही करेंगे जो भी करेंगे। इसके यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है, ये सेटिंग्स का बटन आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस अदर पे कर दो क्योंकि आपका फोन है, बाकी और कुछ और होगा तो बाद में बताएंगे उस बारे में, भी फोन है तो अदर हो जाएगा आपका। और अगर आईफोन है तो आपको यहाँ पे ये पहला आईफोन और आईपैड करना पड़ेगा, ठीक है। और वीडियो आउटपुट HDMI के थ्रू कनेक्टेड है, ये चेंज नहीं होगा। और ऑडियो इनपुट है ये HDMI पे ही रखना, बाकी आप प्रोफाइल अब देख लो अपने हिसाब से कौन सा रखना है। मैं 1080 रखता हूँ, जैसा मेरा इंटरनेट बहुत अच्छा है तो 1080p सबसे बेटर रहता है और स्टैंडर्ड, और आपकी क्वालिटी बेटर रख लेना, बेस्ट करोगे तो थोड़ा और ज़्यादा आपकी अच्छी क्वालिटी आएगी, बट उसके लिए फिर इंटरनेट ज़्यादा अच्छा चाहिए होगा, ठीक है। और कोई आपको सेटिंग्स नहीं छेड़नी है। तो इस एप्लीकेशन का हमारा हो गया काम, अभी फ़ोन लॉक्ड है, स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा रहा, ये मैंने फ़ोन अनलॉक किया तो आ गया है, देख रहे होंगे आप। तो अब इसका सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करना है, सॉफ्टवेयर को बंद कर देना आपको। अब आ जाना आपको अपने स्ट्रीम लैब्स पे। अब मैं आपको अपना स्ट्रीम लैब्स दिखा देता हूँ, ये आ गया हमारा स्ट्रीम लैब्स। अब वैसे यूजुअली सबने स्ट्रीम लैब्स यूज़ किया होता है, और जिसको स्ट्रीम लैब्स का सेटअप का नहीं पता वो सेटअप फिर मैं उसकी वीडियो में अलग से बना दूंगा, क्योंकि अभी स्ट्रीम लैब्स नहीं समझाने वाले हम कि स्ट्रीम लैब्स में कौन सा क्या सोर्स रखना है, क्या कुछ है, वो सब छोड़ो आप, मोटा मोटा बता दूंगा, जिसको पता होगा स्ट्रीम लैब्स का वो समझ जाएगा। तो ये आपको सोर्सेज में प्लस दबाना है, तो ये वीडियो कैप्चर डिवाइस को क्लिक करना है। वीडियो कैप्चर डिवाइस में ऐसा कुछ नहीं आएगा, मेरा ऑलरेडी एडेड है, तो यहाँ पे न्यू करके यहाँ पे कुछ भी नाम रख देना इसका, या फिर ना भी रखो कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप का आएगा आपके सामने। ऐड सोर्स दबाओगे तो ये आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, आपके आपके वेबकैम और जो भी आपके कैप्चर डिवाइसेस है सब शो करेगा। तो यहाँ पे गेम कैप्चर HD60S चूज करना, ये आप जैसे चूज करोगे ये आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा। मैं फोन की स्क्रीन अनलॉक कर लेता हूँ एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरा फोन आ गया है, ठीक है। और इसके अंदर और थोड़ी सी एक सेटिंग और करनी है, नीचे जो ऑडियो आउटपुट मोड है वो आपको करना है वेव आउट, ऑडियो जो आपके आउटपुट डेस्कटॉप ऑडियो, यहाँ पे वेव आउट थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन से जो आपकी फोन की ऑडियो है वो डायरेक्टली आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी, और आप डेस्कटॉप के थ्रू अपने डेस्कटॉप पे अपने हेडफोन कनेक्ट कर लेना, वो आप सुन सकते हो इजीली। और ये आपका जो गेमिंग जो आपका कैप्चर डिवाइस है ये आ गया, इसको आप अपने अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन सेट कर लेना, आप इसको बड़ा कर लोगे और ये हो गया, ठीक है। अब हमने हेडफोन अपने कनेक्ट अपने PC के साथ कर लिए हैं, ये हम अपने कान पर लगा लेंगे, जो भी साउंड है अब हमारे को अपने फ़ोन की, हमारे को फ़ोन पर हेडफोन नहीं लगाने, फ़ोन की साउंड अब हमारे डेस्कटॉप पर ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो ये हमारे को इससे आवाज़ आ जाएगी। और अब जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को वो एलगाटो के बाद क्या होती है कि वो वॉइस चैट में दिक्कत होती है, क्योंकि पबजी, अगर आप कोई भी पबजी या कोई भी अदर गेम खेल रहे हो तो जैसे आप वॉइस चैट ऑन करोगे अपने फ़ोन में तो फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, आपके डेस्कटॉप से ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो सबसे आसान तरीका है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का नाम हर गेमर ने सुना होगा, आप डिस्कॉर्ड डाउनलोड करो और डिस्कॉर्ड के थ्रू अपने टीममेट्स को कनेक्ट कर लो स्ट्रीमिंग से पहले, और डिस्कॉर्ड पे वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है तो वो सबसे बेटर ऑप्शन रहता है। अब हम यहाँ पे पबजी चलाते हैं और देखते हैं कि पबजी का कैसा परफॉर्मेंस आ रही है हमारे सामने। ये हमने पबजी चला दिया अपने फ़ोन में और ये हमारे अब स्ट्रीम पे भी आ रहा है, बेसिकली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने स्ट्रीम लैब्स के सॉफ्टवेयर पे। थोड़ा सा ट्रेनिंग चला लेते हैं और अब जो साउंड है वो मेरे को हेडफोन्स में आ रही है, और मैं जो टीममेट से कनेक्ट करूंगा वो डिस्कॉर्ड के थ्रू करूंगा, डिस्कॉर्ड में अपने सिस्टम पे डाल लूंगा। तो आप जैसे आप देख रहे हो जो भी साउंड्स आ रही हैं वो स्ट्रीम पे जा रही है, यानी कि आप सुन पा रहे हो अगर इस वीडियो में तो स्ट्रीम पे भी जाएंगी। PC के अंदर आप डिस्कॉर्ड इंस्टॉल कर लेना और डिस्कॉर्ड के थ्रू अपने टीममेट से कनेक्ट कर लेना, और अपना गेम के अंदर जो ये वाला जो माइक है आपका, ये वाला जो माइक आ रहा है गेम के अंदर, ये आप ऑफ रखना और अपने टीममेट से भी आपकी बातचीत होती रहेगी और यहाँ पे गेम भी आप आराम से एंजॉय करते रहोगे। वैसे मैं तो एक्सटर्नल माइक यूज़ करता हूँ, जो मेरी स्ट्रीम पे साउंड है वो भी इसके थ्रू जाती है और जो डिस्कॉर्ड पे वो भी इसी के थ्रू जाती है। और अगर आपके पास ईयरफोन, नॉर्मल ईयरफोन भी है, हेडफोन भी है, तो उसका माइक भी काम आ जाता है जो इनपुट कैप्चर है। मैंने तो माइक चूज़ किया हुआ स्ट्रीम लैब्स के अंदर, आप अपना हेडफोन ही चूज़ कर सकते हो, तो आपके माइक फिर ये चलेगा या फिर जो आपका ईयरफोन का माइक होगा वो चलेगा। ये आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम 60 फ्रेम्स पे आपका गेम चल रहा, 1 सेकंड की भी लेटेंसी नहीं है। जैसा जैसा मैं मूव कर रहा हूँ ये सिमिलरली वैसा वैसा एकदम फटाफट फटाफट मूव कर रहा है,
जैसे जैसे मेरी फिंगर मूव हो रही है एकदम गेम भी आपका सामने बिल्कुल वैसे ही मूव हो रहा है, कोई लेटेंसी नहीं है, तो स्ट्रीम में तो भाई मजा आ जाने वाला है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी अगर क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ में आपको इशू लग रहा है, आपको लगता है कि होगा या नहीं होगा, आपका फ़ोन सपोर्ट करता है नहीं करता, कॉमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी दिक्कत आएगी मैं आपको बता दूंगा, कोई भी आपका जो इशू होगा वो मैं सॉर्ट कर दूंगा अगर आप सोच रहे हो एलगाटो लेने के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सोच रहा हूँ कि इस एलगाटो को आप PC के थ्रू कैसे कनेक्ट करो, सिंगल PC सेटअप, डुअल PC सेटअप, और एक PlayStation के थ्रू कैसे कनेक्ट करो, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिर ये मल्टीपर्पज डिवाइस है। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि इसको लेना चाहिए तो उनके लिए सही होने वाला है, कोई नहीं सीन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर देना, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। बाय बाय। Is it too hard? Must it last for?